हाँ, इस एपिसोड में हम आपको डेंगू फीवर, जैसा कि यह एक बहुत ही प्रचलित बुखार है, इसके बारे में सभी लोग जानते सुनते हैं, इसको कहते हैं डेंगू फीवर पार्ट वन। तो इसमें हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे, ये डेंगू फीवर कैसे होता है, इसका प्रचार प्रसार कैसे होता है, कैसे यह एक व्यक्ति से चलकर दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, यानी एक रोगी व्यक्ति कैसे एक हेल्दी व्यक्ति को संक्रमित कर देता है और उसे पता भी नहीं लगता। तो ये इस बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, और ये क्या है, वायरस है कि बैक्टीरिया है, क्या है, जो भी है इस पर हम चर्चा करेंगे, और ये किस कारण से होता है, ये सब आज का चर्चा का बिंदु होगा। यह कितने प्रकार का होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे, प्रचार प्रसार कैसे होता है, और कैसे यह धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी को अपने संक्रमण में ले लेता है, ये तमाम बातें हैं जो हम इसके बारे में आज आपसे के साथ चर्चा करना चाहेंगे, और फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन पर हम डेंगू फीवर से संबंधित जानकारियां साझा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि यह डेंगू फीवर क्या है, कैसा है। तो यह एक ट्रॉपिकल संक्रामक बीमारी मानी जाती है। ट्रॉपिकल से मतलब समझते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों के बीच यह काफ़ी सामान्य होता है, और यह एक संक्रामक बीमारी के रूप में लोगों को संक्रमित करता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पूरे कम्युनिटी को धीरे धीरे अपने गिरफ्त में ले लेता है। इसे हम ब्रेक बोन फीवर, यानी हिंदी में जिसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, क्यों ऐसा कहा जाता है कि इसके संक्रमित व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी हड्डियां हथौड़े से तोड़ी जा रही हैं, इतना सीवियर पेन अस्थियों में होता है, जॉइंट्स में होता है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं ब्रेक बोन फीवर, यानी हड्डी तोड़ बुखार। तो इसका दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार। इसमें कुछ खास बात होती है, इसमें 70-80% जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनमें ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसका कोई लक्षण नहीं दिखता है, और जो शेष संक्रमित व्यक्ति हैं उनमें बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। कभी कभी ये लक्षण घातक स्थिति में ले जाते हैं, और अगर प्रॉपर ढंग से उचित तरीके से इस के संक्रमित व्यक्ति का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की व्यवस्था ना की गई तो फिर ये प्राण घातक भी हो सकता है, यानी व्यक्ति की जान भी ले सकता है। अब इसका काज क्या है भाई, ऐसे घातक ये संक्रामक बीमारी जिसे हम डेंगू फीवर के नाम से जानते हैं, इसका कारण क्या है, कैसे ये हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो यह एक वायरस बॉर्न डिजीज होती है जिसे हम अरबो वायरस के नाम से जानते हैं, या टोगा वायरिडी फैमिली का वायरस माना जाता है, तथा जीनस फ्लेवी वायरस परिवार का यह एक वायरस है। यह भी एक आरएनए वायरस की तरह होता है। यह रोग डेंगू वायरस, इसमें 4 सीरोटाइप वैरायटी पाई जाती हैं, जिनका नाम यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। ये 4 सीरोटाइप होते क्या हैं, फर्स्ट में देखिए DENV फर्स्ट, DENV सेकेंड, DENV थर्ड, DENV फोर्थ के द्वारा ये फैलता है और दूसरे को संक्रमित करता है। तो ये इसकी क्या है, ये सीरोटाइप वैरायटी है जो 4 कैटेगरी में बांटी गई हैं, और चारों का नाम आपको बता दिया गया, DENV फर्स्ट, DENV सेकेंड, DENV थर्ड, DENV फोर्थ। इन्हीं के द्वारा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, और एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर पाता है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है और उसे पता नहीं लगता है, तो इसके बारे में बताया गया कि डेंगू फीवर एक एडिस एजिप्टी प्रजाति की मच्छर होती है, और उसी के बाइटिंग से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता रहता।
ये जो एडिस एजिप्टी ग्रुप की जो मच्छर है इस ग्रुप का, उसमें भी कई तरह के पाए जाते हैं, जैसे एडिस एल्वोपिक्टस, एडिस पालीनेसिंस, एडिस स्कूटे लेरिस। तो ये तीन वेराइटी इसकी बताई गई। ये सभी किसकी वेराइटी हैं? एडिस एजिप्टी की वेराइटी हैं। तो इसमें तीन वेराइटी हैं जिनके काटने से, बाइट करने से व्यक्ति जो है डेंगू फीवर के संक्रमण में आ जाता है। अब इसमें जो कहा गया है कि इसका प्रसार मैन टू मैन मच्छर के द्वारा होता है, यानी इसके प्रसार प्रसार का जो मीडिया है, माध्यम है, वो क्या है? ये मच्छर ही है। माने एक आदमी इधर, बीच में मच्छर, फिर उस किनारे पर दूसरा आदमी, यानी ये मच्छर एक आदमी में को संक्रमित, एक संक्रमित आदमी को बाइट किया, फिर अपने साथ उसके वायरस को लेकर के उड़ा, और फिर वो दूसरे व्यक्ति को बाइट किया। तो इस तरह से दो व्यक्तियों के बीच में ये जो मीडिया है, ये है मच्छर। तो ये मैन टू मैन प्रसार के लिए यही माध्यम माना जाता है। यह मच्छर जब एक संक्रमित व्यक्ति को बाइट करता है, तो जब यह बाइट कर रहा होता है, उसी समय संक्रमित व्यक्ति के बॉडी से इसका वायरस निकल करके और मच्छर के बॉडी में वो एंट्री कर जाते हैं, और धीरे धीरे एक इंक्यूबेशन पीरियड जो लगभग 7 दिन का माना जाता है, तो उसके बॉडी में पड़े रहते हैं, और धीरे धीरे 1 सप्ताह में उसको अपने संक्रमण में ले लेते हैं। फिर जब वही मच्छर संक्रमित हो जाता है खुद से, तो वो मच्छर उस मच्छर के अंदर जो सलाइवा ग्लैंड्स हैं, वहां तक के वायरस पहुंच जाता है। यानी एक संक्रमित व्यक्ति से चला हुआ वायरस एक एडिस एजिप्टी के बॉडी में एंट्री किया, 1 हफ्ते तक उसके बॉडी में पड़ा रहा, फिर उसको संक्रमित किया, और संक्रमित करने के बाद उसके सलाइवा ग्लैंड्स तक ये पहुंच गया, और जब उसके सलाइवा में ये उपस्थित हो गया, तो फिर वही मच्छर जब दूसरे किसी हेल्दी व्यक्ति को बाइट करता है, तो उसी के साथ, उसके सलाइवा के साथ ही ये वायरस निकल, उसके बॉडी से निकल करके और उस दूसरे व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर जाता है और उसको संक्रमित कर देता है। तो ये देखिए, एक आदमी स्वस्थ, एक आदमी संक्रमित, दोनों के बीच में एक प्राणी आया जिसका नाम है एडिस एजिप्टी मच्छर, और उसने पहले संक्रमित को बाइट किया, फिर अपने साथ इसका वायरस ले गया, और फिर वही वायरस 1 हफ्ते बाद उसको, मच्छर को भी संक्रमित कर दिया, अपने संक्रमण में ले लिया, और धीरे धीरे उसके सलाइवा तक पहुंच गया, और फिर जब किसी दूसरे हेल्दी व्यक्ति को बाइट करेगा, तो उसके सलाइवा के साथ ही ये वायरस निकल करके उस दूसरे वाले व्यक्ति में एंट्री कर जाएंगे, और वह व्यक्ति इसके वायरस के संक्रमण में आ जाएगा, यानी वो डेंगू फीवर से संक्रमित हो जाएगा। इसकी कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं, जैसे एक बार संक्रमित मच्छर पूरी लाइफ संक्रमित ही रहता। जब मच्छर एडिस एजिप्टी एक बार इससे संक्रमित हो जाता है, तो फिर पूरी जिंदगी वो इसका वाहक बना रहता है, और उसका संक्रमण उससे जाता नहीं। दूसरी जो इसकी करैक्टरिस्टिक बताई गई, डेंगू फीवर के लिए अनुकूल समय वर्षा ऋतु मानी जाती है। जैसा कि आप आमतौर से देखते हैं, जानते हैं, महसूस भी करते हैं कि मच्छरों का प्रकोप ये रेनी सीजन में ही होता है, बरसात के दिनों में ही होता है। बाकी जो ड्राई मौसम है, उसमें मच्छर जो है बहुत कम दिखते हैं और कम बाइट करते हैं, उनकी संख्या नहीं के बराबर दिखती है। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है, ये मच्छरों की भरमार हो जाती है, तो इनका जो ये मल्टीप्लिकेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ करने का जो समय है, वो बहुत ही अनुकूल समय है। कौन सा समय? वर्षा ऋतु, यानी रेनी सीजन इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो जो व्यक्ति जानता है इस बारे में, उसको इनसे दूर रहने की जरूरत है, और इनसे बचा जा सकता है, इनसे दूरी बना सकते। और क्या बताया गया, तीसरा पॉइंट, इसका संक्रमण पुरुष एवं महिला दोनों में समान रूप से हो सकता है, यानी यहाँ पर जेंडर का कोई मतलब नहीं होता है।
चाहे वो मैस्कुलिन मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी सामने पड़ा उसको एडवाइट किया और अपने सलाइवा के साथ उसके बॉडी में डेंगू के वायरस को एंट्री करा दिया। यानी यहाँ जेंडर का कोई मतलब नहीं, ये पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं करता है, दोनों को समान रूप से वाइट करता है, संक्रमित करता है। और जो चौथा पॉइंट बताया गया इसके करेक्टरिस्टिक्स में वो है मनुष्य और मच्छर दोनों इसके रिजर्वायर होते हैं। जैसे आपको बताया गया ऊपर वाले पॉइंट में कि एक बार मच्छर जब इसके संक्रमण में आ गया तो जितने दिन की उसकी लाइफ साइकिल है वो उतने दिन उससे निजात नहीं पा सकता है, छूट नहीं सकता है, वो इसका वाहक बन करके ही जीता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी इसका रिजर्वायर होता है। अगला पॉइंट बताया गया कि गंदा पानी, कचरा, कबाड़, घर के पुराने टूटे फूटे सामान आदि सहायक होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जहाँ पानी है, कीचड़ है, नमी है, वहीं पर मच्छर जो है डेवलप करते हैं, इनका निवास स्थान वहीं होता है। अगर घर में जो काट कबाड़ रखा जाता है या पुराने अब्बा डब्बा जो हम इधर उधर फेंक देते हैं उसमें पानी इकट्ठा रहता है तो मच्छरों के लिए फेवरेबल जगह होती है और वहीं पर ये पड़े रहते हैं। फिर मौका देख करके जब ये व्यक्ति को बाइट करते हैं तो उस बाइट के साथ उस व्यक्ति को अपने संक्रमण में ले लेते हैं और डेंगू से उसे संक्रमित कर देते हैं। तो ये सब बातें जो ट्रांसमिशन में आपको बताई गई, अगर इन बातों को ध्यान में रख करके आदमी इनसे बचने का उपाय खोजे तो सब कुछ इसी में मिल जाता है। इन इन चीजों से आप बचिए तो आप डेंगू के प्रकोप से, डेंगू के संक्रमण से बचा सकते हैं अपने आप को। बहरहाल आगे इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के तमाम उपाय आपको बताए जाएंगे, लेकिन अब आइए हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर, यानी इसमें लक्षण क्या क्या दिखते हैं। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इनमें वेरिएशन होता है, इसलिए हम इनको तीन ग्रुपों में बांट करके इनका स्टडी करते हैं। अब अलग अलग फेज में अलग अलग तरह के लक्षण दिखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि वो ग्रुप कौन है। तो इसमें पहली जो फेज होती है वो है फेब्राइल अवस्था, दूसरी है क्रिटिकल फेज, तीसरी है रिकवरी फेज। तो ये तीन स्टेज में इसके क्लिनिकल लक्षणों को हम बांट करके, डिवाइड करके हम इनका स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें फेब्राइल फेज। फेब्राइल फेज का मतलब फीवर से शब्द बना फेब्राइल, यानी जब डेंगू का संक्रमण होता है तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखाई देता है, हाई ग्रेड फीवर। वो फीवर लगभग 104 105 तक भी चला जाता है, तो बहुत हाई ग्रेड फीवर का लक्षण दिखाई देगा व्यक्ति में सबसे पहले। फिर इसमें हेडेक होगा, नासिया होगी, हेडेक। अब जहाँ इतना हाई ग्रेड फीवर होगा तो हेडेक तो होएगा ही, फिर नासिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है और फेशियल फ्लशिंग, उसका जो चेहरा है वो लाल भूखा हो जाएगा, बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई ग्रेड पर है। तो ये तमाम लक्षण आपको मिलते हैं जैसे हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, नासिया माने मछली आना, उल्टी होना, फेशियल फ्लशिंग, चेहरे पर लालिमा छा जाना, रेडनेस का अपीयर होना, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना और पेन एब्डोमेन, संक्रमित व्यक्ति के पेट में दर्द की प्रॉब्लम होती है और वे शिकायत करता है कि उसके उदर गुहा में दर्द की प्रॉब्लम है। और क्या मिलेगा, छाती, पीठ, फिर बाद में हाथ पर भी, हाथ पैर पर भी खसरे जैसे चकत्ते दिखने लगते हैं। क्या होता है, उसके संक्रमित व्यक्ति के चेस्ट पर, फिर बैक पर, पीठ पर और लेटर ऑन स्टेज में उसके हाथों पर, पैरों पर तमाम चकत्ते ऐसे दिखने लगते हैं जैसे वह डेंगू फीवर का पेशेंट ना होकर के वो खसरे का पेशेंट है। खसरा तो आप जानते ही हैं, मिजिस जिसको आप बोलते हैं, उस पर पूरे बॉडी पर दाने निकल आते हैं, तो कुछ वैसे ही दाने डेंगू फीवर में भी आते हैं। ये पहले चेस्ट पर दिखते हैं, फिर बैक पर दिखते हैं और फिर लेटर ऑन, फिर दो एक दिन के बाद ये धीरे धीरे
उसके दोनों हाथों पर दोनों पैरों पर भी फैल जाते हैं, तो यह इसकी खास पिक्युलियरिटी होती है। तो ये फेब्राइल फेज में ही इस तरह के लक्षण मिलते हैं, बाकी अदर फेज में क्या लक्षण मिलते हैं वो आगे की बात है, जब हम उन पर चर्चा करेंगे तो वो सब आपके साथ चर्चा कर लेंगे। और इस तरह के चकत्ते लगभग 50-70% रोगियों में ही पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जितने डेंगू के संक्रमित व्यक्ति हैं सब में इस तरह के लक्षण यानी चकत्ते दिखाई देते हों, नहीं ऐसा नहीं, 50-70% लोगों में ही चकत्ते होके चकत्ते दिखाई देते हैं, बाकी के 25-30-20% के लोगों में चकत्ते नहीं दिखते हैं। हाँ, ये लक्षण जरूर मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो हमने तीन कैटेगरी बताई, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज, रिकवरी फेज, उसमें जो पहली फेज फेब्राइल फेज है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये फर्स्ट फेज है और इसमें फेब्राइल फेज है, तो इसमें इन लक्षणों के आधार पर आप तुरंत डायग्नोस कर लेंगे कि ये डेंगू फीवर तो है लेकिन अभी ये फेब्राइल स्टेज में है, ये क्रिटिकल स्टेज में नहीं पहुंचा है या फिर रिकवरी के स्टेज में नहीं पहुंचा है। इसके बाद वो जाएगा क्रिटिकल फेज में, फिर रिकवरी फेज में, फिर वो क्योर हो जाएगा। तो फेब्राइल फेज में क्या क्या लक्षण आपको मिले इसको याद रखिए। तो हम इस वीडियो में यही डेंगू फीवर पार्ट वन में आपको बता दिए इसका इंट्रोडक्शन, इसका कारण क्या होता है, ये वायरल है या फिर बैक्टीरियल है ये भी बता दिया गया, और इसके जो सीरोटाइप वैरायटी होती है वो चार तरह की होती है, चारों का नाम बता दिया गया, और यह कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ये सारी चीजें आपको बता दी गई। और ये कई तरह के होते हैं, ये जो एडिस एजिप्टी होते हैं, तो इसमें तीन वैरायटी बताई गई, तीनों के बारे में बता दिया गया। फिर डेंगू फीवर के लिए तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी गई। फिर क्लिनिकल फीचर पर हम आ गए, क्लिनिकल फीचर में भी तीन कैटेगरी करते हैं, पहला है फेब्राइल, दूसरा क्रिटिकल और तीसरा रिकवरी। तो हम आज के एपिसोड में फेब्राइल फेज तक ही अपने को लिमिटेड रखेंगे, बाकी अगली जो हमारी वीडियो आएगी, अगला एपिसोड आएगा, आप कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए तो इसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा फिर हाथ मलते रह जाएंगे, डिसकंटिन्यूटी से ये पूरा ज्ञान आप प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, चूक जाते हैं और यही बाद में पश्चाताप का कारण बनता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिना नागा किए हुए ये श्रृंखला है, और श्रृंखला में क्रमशः एक एक डिजीज के बारे में आपको क्या कैसा डिस्कस किया जा रहा है, तो इसमें चूक आपके ज्ञान को आधा अधूरा कर देगी, इसलिए चूक ना करें, कंटिन्यूटी में हमारी वीडियोज को पढ़ते रहें। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक चीज है या कोई कंफ्यूजिव चीज है जो आपको भ्रम में डालती है तो उस पर आप कांटेक्ट करके ये क्लियर कर सकते हैं, शंका समाधान कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।